ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, ये 2.5 मिनट का वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को अब लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से रिलेटेड जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जब आप जो है आपका ऑनलाइन का डेट जो है जारी कर दिया गया है, कब से आपका ऑनलाइन होगा ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं, 34 ऐसे कॉलेजेज हैं जिन कॉलेज के स्टूडेंट को जो है अब पैसा नहीं मिलने वाला है। कौन कौन से 34 कॉलेज है, उन 34 कॉलेज का नाम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनको उन इस कॉलेज के स्टूडेंट को कन्या उत्थान यानी स्नातक पास वाले स्टूडेंट को पैसा नहीं मिलेगा। किन किन कॉलेज वाले स्टूडेंट को पैसा मिलेगा वही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कि कब से आपका जो है छात्रवृत्ति यानी 50,000 रुपये के लिए ऑनलाइन होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरे, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि अभी हम मुख्य मेधा सॉफ्ट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट पे कैसे आना है मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप आ सकते हैं। अगर आप तब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली मैं इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। चलिए जैसे कि हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसके कारण जो बिहार का वेबसाइट जो है बहुत ही स्लो चल रहा है। चलिए यहाँ पर उस कॉलेज का नाम पहले देखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि किन किन कॉलेजों को पैसा मिलेगा, मतलब किन किन कॉलेज के स्टूडेंट को पैसा मिलेगा और किन किन स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो लिस्ट हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हाँ देखिए आपको एक लिंक खुल रहा है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अंडर यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी के अंडर इसमें जो जो कॉलेज आते हैं, यानी कुछ ऐसे 34 कॉलेज हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, उन सभी कॉलेज को जो है पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो लिस्ट आपको मिलने वाला है, इस लिस्ट में जिन जिन कॉलेजों का नाम होगा उन्हीं कॉलेज का नाम जो है, उन्हीं कॉलेज को जो है सरकारी मान्यता प्राप्त है और उन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट को जो है 50,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। तो चलिए चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पर हम बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंदर भी 34 ऐसे कॉलेज है जिनका पैसा नहीं मिलने वाला है। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अलग अलग कॉलेज है, कुछ कुछ ऐसे कॉलेज है जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, उस यूनिवर्सिटी को आप चेक कर सकते हो। उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना कॉलेज का नाम चेक कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो चेक करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर। इसमें यहाँ पे कॉलेज टाइप में आपको क्या करना है, इसमें चार तरह के ऑप्शन आते हैं, एक कंसल्टेंट है, एक अफिलेटेड है, एक माइनॉरिटी है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इन चारों तरह के कॉलेज में जो है आपको मान्यता प्राप्त है। इसमें सबसे बढ़िया क्या करना है कि आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑल पे क्लिक करते, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि हमारा कॉलेज कंसल्टेंट है या फिर एफिलेटेड है या फिर माइनॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट है, तो आपको सिंपली ऑल वाले पे क्लिक कर देना। ऑल के अंदर में जो ये चारों तरह के कॉलेज आ जाते हैं, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखता है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंदर जितने भी कॉलेज का नाम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आप गौर से देखेंगे आपको जितने भी कॉलेज का नाम दिख रहा है उन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट को जो है 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर जिन कॉलेज के इस लिस्ट में जिन कॉलेज का नाम नहीं है तो आपको कॉलेज का मतलब आपको 50,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो फटाक से जो है अपना कॉलेज का नाम जो है चेक करें, आप चाहे भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से हो, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपको पैसा मिलेगा तभी जब इस लिस्ट में नाम होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन कब से होने वाला है। तो दोस्तों ये खुशखबरी मैं बता दे रहा हूँ कि आपका ऑनलाइन जो है पेपर के माध्यम से बताया गया था कि संभावित तिथि बताया गया है, अभी कंफर्म डेट नहीं बताया गया, संभावित तिथि यानी संभावना बताया गया है कि 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी को अगर हुआ तो हुआ,
तो यह 15 जनवरी के बाद जो है आपको, यानी समझिए आपका इस मंथ में जब 15 से 20 जनवरी के बीच में ऑनलाइन होने की संभावना है। तो जल्द से जल्द आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो फटाक से क्या करें, आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, जैसे जाति हो गया, आवासीय हो गया, या फिर बैंक अकाउंट अगर आपने नहीं खोला हुआ है तो अपना बैंक अकाउंट जल्द से जल्द खोला ले। अगर आप बिहार के स्टूडेंट है से आपका बैंक अकाउंट जो है बिहार का ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये खुशखबरी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में।